नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपनी प्रेडिक्शन 2024 की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे पर्सनल ईयर नंबर 4, 5 एंड 6, ये जिनका भी है उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो पर्सनल ईयर होता क्या है? जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में महादशाएं होती हैं, हर महादशा का एक पर्टिकुलर ईयर होते हैं, 7 साल की, 19 साल की, 18 साल की, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में हर एक ग्रह की एक एक साल की महादशा होती है। तो अगर हम नंबर 1 से लेकर 9 तक की बात करें तो हर प्लैनेट की एक साल की महादशा होती है। ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ पर और जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उस पे। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब हमें पता चलता है कि ये हमारा कौन सा पर्सनल ईयर है। तो ये जो 2024 है, ये 4 नंबर कि पर्सनल ईयर वालों के लिए, जिनका पर्सनल ईयर 5 है, जिनका पर्सनल ईयर 6 है, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये हम आज बात करेंगे। तो जो पर्सनल ईयर है उसको निकालते कैसे हैं? मान लीजिए हम फिर से एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे कि 22 10। हाँ जी, इसका जो 22 है इसका साइकिक नंबर भी 4 होता है। 22 10 2024, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहला डिजिट डिजिट जो कि सिंगल नंबर में है या डबल में है, आप उसको सिंगल सिंगल ऐड कर लेंगे, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, तो आ जाता है सिंगल नंबर 4। ये बन जाएगा 13 से 4। अगर आपकी पर्सनल ईयर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और 2024 को ऐड करने के बाद नंबर 4 बनता है तो जी हाँ, ये जो वीडियो है आपके लिए है, क्योंकि ये है आपका पर्सनल ईयर नंबर 4। तो जो पर्सनल ईयर नंबर 4 है वो राहु से गवर्न साल होता है। ये जो साल है, इस साल हमें जो भी हम कहेंगे ना, हम किससे गवर्न है, किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो राहु से रिलेटेड रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम राहु से जोड़ते हैं कहीं ना कहीं हमें वो देखने को मिलती हैं। तो हम सब जानते हैं कि 2024, हम कई बार बात कर चुके हैं, 2 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 8। तो ये जो साल है, ये साल है मेनली शनि से गवर्न। तो अगर हम अपना पर्सनल ईयर और ये साल किससे गवर्न है इसको मैच करते हैं तो जोड़ी बनती है राहु की और शनि की। और राहु और शनि की जोड़ी जो है ना, वो एक अलग सा रिलेशन रखती है, क्योंकि कभी तो या तो ये बहुत ही अच्छे दोस्त बन के रहते हैं या फिर तगड़े दुश्मन। इनकी जोड़ी जो है वो थोड़ी सी निराली है। तो ये साल राहु का जिनका भी पर्सनल ईयर है नंबर 4, उनके लिए कैसा रहेगा, आइए चलिए बात करते हैं। तो जो 4 है, राहु का नंबर होता है, ये थोड़ा सा ना अनइजीनेस देता है, ये आपके माइंड को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना पजल रखता है, कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है। राहु जो है ना उनको जोड़ा जाता है सडन जो चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, अचानक से जो चीजें होती हैं उससे हम राहु को जोड़ते हैं। अचानक कोई घटना का हो जाना, अचानक कोई खुशखबरी का आ जाना, अचानक अचानक से जब कोई भी चीज हो जाती है जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, ऐसा जो काम है वो राहु करते हैं। राहु से अगर हम जोड़ें तो राहु का जो साल है वो होता है थोड़ा सा चैलेंज, आपका टेस्ट करने वाला साल, क्योंकि जो राहु है ना, अगर आप उस साल ऑलरेडी किसी चीज को लेके मेहनत करते आ रहे हैं तो इस साल के सेकेंड हाफ से आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि राहु जैसे मैंने बोला थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करते हैं, ये जो साल है अचानक अचानक आपको घटनाएं होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, हमेशा कंटिन्यू दिमाग थॉट्स में चलता रहेगा, कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, आइडियाज भी बहुत आएंगे आपको। और इसके साथ ही साथ अगर हम वैसे देखें तो फैमिली मेंबर्स के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है, आपको फैमिली मेंबर के साथ डील करते हुए कोई भी जल्दबाजी नहीं बरतनी, ना ही किसी तरीके का जिसे कहेंगे ना कि इरिटेट होना है। इस साल अगर आप इरिटेशन से, अगर आप थोड़ा सा अपने कंफ्यूजिंग थॉट से बचते हैं तो आपके लिए साल अच्छा जाएगा। कोई भी नया काम इस साल स्टार्ट ना करें। अगर हम बच्चों के लिए देखते हैं तो बच्चों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आप किसी जॉब या बिजनेस में हैं तो भी आपको थोड़ा सा जो मेहनत है वो ज्यादा करने की जरूरत है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए साल अच्छा जाएगा। उनको बहुत सारे बेनिफिट्स इस साल नजर आएंगे, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से इस साल बचें,
किसी भी लॉटरी में, या अगर आप ज्यादा पैसा किसी भी उसमें लगाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना कि कई बार रियल एस्टेट में, या फिर हम बात करें किसी लॉटरी में, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वहां पर अचानक से कोई बड़ा अमाउंट ना लगाएं। इस साल थोड़ा सा आप वेट करें, सेकेंड हाफ के बाद आप ट्राई कर सकते। इस साल जरूर जरूर जो पक्षी होते हैं ना, उनके लिए आप दाना या कुछ भी खाना जरूर निकालें। ये बात जरूर ध्यान रहिए कि इस साल आपको पक्षियों के लिए जरूर कुछ ना कुछ दाना कहीं पर घर से दूर जाके डालना है। और साथ ही साल कुछ भी डिसेबल लोग जो होते हैं ना, उनकी हेल्प जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। तो इस साल आपको अपने कर्मों पे ध्यान तो देना ही है, जैसा मैं सबको बोल रही हूँ, साथ ही साथ मेहनत ज्यादा करनी है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। और ये जो साल है, इस साल अगर आप कोई क्रिस्टल पहनना चाहते हैं तो ब्लैक टर्मलिन या फिर ब्लैक एगेट आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद क्रिस्टल साबित होंगे। ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। हनुमान चालीसा रेगुलरली आपको पढ़ना है, साथ ही रात को 8 से 11 के बीच में काल भैरव अष्टकम का पाठ जरूर करें, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर बिजनेस में या जॉब में किसी तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है तो उससे आप जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चाहे तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके आप शनि भगवान के ऊपर सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं, काले तेल मिला के। पर ये ध्यान रखिएगा, आपको तेल अपने घर से लेके जाना है, वहां से खरीद के नहीं चढ़ाना है। इस बात का अगर आपको ध्यान रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसा मैंने बोला, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में लाइए। आप ग्रीन कलर का भी कोई स्टोन धारण कर सकते हैं, जैसे ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड, ये आपको बहुत ही बहुत बेनिफिट देगा। तो आइए बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 5 इस साल आता है, अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पर मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ लेके, मान लीजिए किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है 8th of July 2024, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि 8 + 7 + 2 + 2 + 4, तो आ जाता है 23। जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड करेंगे, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उस डेट प्लस मंथ प्लस 2024 को अगर आप ऐड करते हैं, और आपका सिंगल डिजिट या वो डिजिट ऐड करने के बाद जो सिंगल डिजिट आएगा वो 5 आता है, तो ये पर्सनल ईयर 5 है आपके लिए। तो पर्सनल ईयर 5 वाले लोगों के लिए ये साल यानी 2024 कैसा रहेगा, वो आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए, ये जो 5 है ना, ये बनता है मरकरी यानी कि बुध के नंबर से। ये नंबर है बुध का, मरकरी जो कि बुद्धि और वाणी के प्लैनेट माने जाते हैं, जो कि बुद्धि के देवता के साथ साथ बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर के भी कहते हैं ना मास्टर माने जाते हैं। तो जो लोग भी इस साल नंबर पर्सनली नंबर 5 से अपना देखेंगे, तो उन लोगों के लिए साल बहुत ही बैलेंस लेकर आएगा। ये साल उन लोगों के लिए नया बिजनेस, नई जॉब, बाहर देश विदेश की यात्राएं करने को उनको मिल सकती हैं। अगर आप बेबी प्लान करें तो इस साल जरूर आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो साल बहुत ही अच्छा साल है। अगर आप बहुत टाइम से वेट करें तो डेफिनेटली इस साल आपको खुशखबरी मिलेगी। इस साल आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए वेंचर्स आपके स्टार्ट हो सकते हैं। कोई भी अगर हम पढ़ाई के हिसाब से भी देखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी साल बहुत अच्छा रहेगा। ये साल बस थोड़ा सा ना आप लोगों को अनईजी रखेगा, क्योंकि बुध जो है वो बहुत फास्ट जो है ना चलने वाले प्लैनेट है, तो ये जो लोग होते हैं ये थोड़ा सा अनईजी रहते हैं, इनको हर काम में जल्दबाजी रहती है। तो जब 5 नंबर की बात करते हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है, तो थोड़ी सी अनईजीनेस इस साल आपको ये साल देगा। तो आपको जरूरत है, एक तो आप नेचर्स वॉक जरूर लें, कहीं ना कहीं घूमने जाएं। आप इस साल देश विदेश की यात्राएं भी करेंगे, तो अगर आप हर एक महीने में प्लान बनाएं कि आप कहीं भी 2 दिन का ट्रिप ही सही जरूर करें, तो आप देखेंगे आप थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, आपके माइंड को शांत करेगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बुद्धि और वाणी का ग्रह होता है बुध, तो कहीं ना कहीं ये साल आप उसी से गवर्न हैं, तो कहीं ना कहीं अनइजीनेस तो आएगी। कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए, मीडिया से, फाइनेंस से, बैंकिंग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है।
इसके साथ ही साथ लाइफस्टाइल चेंजेस आपके होंगे, आप अपने घर में भी कुछ नई चीज़ें, कुछ भी अपनी लाइफ में नया ऐड कर सकते हैं। आपके लिए मेरी यही वो है कि रेमेडी के तौर पे आप इस साल कोई भी ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स ज़रूर खरीदें, जैसे ग्रीन एवेंचुरीन, ग्रीन जेड, अगर हमें बात करूँ तो पैरी डॉट आपके लिए बहुत अच्छा है, और फाइनेंस बिजनेस के लिए अगर आप लोग चाहें तो पाइराइट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर ज़रूर पढ़ें और ज़रूर लोगों की मदद करें। जो भी आप कमा रहे हैं, जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो पुअर लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूर दें। ये साल जो है वो देने का साल है, क्योंकि कर्मों का हिसाब है, आपको भी अपने कर्मों का ध्यान रखना है। और इसके साथ ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए, तो ग्रीन क्लोथ्स ज़रूर पहने वेनेसडे के दिन खास तौर पे, और गणपति जी की उपासना करें। आपके लिए साल जो है बहुत ही शुभ संक। तो चलिए बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 की। जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर नंबर 6 है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी, पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है उसके लिए हम फिर से एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 10th of June 2024। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, उसके साथ आपका जो बर्थ मंथ है वो लिख लीजिए, और उसके बाद अपना जो बर्थ ईयर है उसको लगाने की जगह लगा लीजिए 2024। इन सबको सिंगल डिजिट में ऐड करके जो नंबर आएगा उसको आप जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो 6 है तो यस, आपका भी ये साल जो है 6, यानी कि शुक्र से, जो कि होते हैं वीनस, हमारे शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर है। तो ये जो नंबर है इसको जोड़ा जाता है लग्जरी से, पैसे से, फैमिली बॉन्डिंग से, प्यार से, और जिसे कहते हैं ना हम, बहुत सारी शोहरत से, तो बिजनेस से भी इसे जोड़ा जाता है। तो अगर ये साल आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 है तो आपके लिए साल बहुत सारा पैसा, प्यार, शोहरत, लग्जरी लेके आने वाला है। तो ये साल जो है, इस साल आपके अच्छे काम बनेंगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, जॉब में भी आप बहुत इंजॉय करेंगे, अपने घर में आप लग्जरी आइटम्स ऐड करेंगे, जैसे फर्नीचर हो सकता है, ज्वेलरी ऐड हो सकती है, आपकी डायमंड ज्वेलरी हो चाहे गोल्ड ज्वेलरी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। बिजनेस में भी आपको बहुत बहुत मुनाफा इस साल होगा। अगर कोई लोग जो हैं जो शादी प्लान कर रहे हैं, मैरिज का बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, तो इस साल आपके योग बनेंगे। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस साल ज़रूर आपको सक्सेस मिल जाएगी। बहुत सारी लग्जरी यानी कि गाड़ी, नई गाड़ी, नया घर, ये भी आप इस साल ले सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है अपने घर को आप और रिनोवेट करें और कुछ उसमें नया ऐड करें। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साल है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड साल है, तो पार्टीज, सोशलाइज होना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका ध्यान हो सकता है अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा हट जाए, तो उनको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है कि पढ़ाई पे इक्वली आपको अटेंशन पे करना है और ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करनी है। मनी के हिसाब से इस साल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको धीरे धीरे जब ये साल शुरू होगा, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, तो धीरे धीरे करके आपको इसके रिजल्ट्स देखने शुरू होंगे, और आप देखेंगे कि साल के मिड के बाद आपको इसके बहुत ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगेन, मेरे लिए आपके लिए जो टिप मैं देना चाहूँगी वो यही होगा कि आप लोग ज़रूर, आप जो भी पैसा कमाएं, आप जो भी आपकी इनकम है उसमें से कुछ पार्ट निकाल के ज़रूर ज़रूर सबकी मदद कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कम होना है, क्योंकि पैसा जो है बहुत खींचेगा इस साल आपके पास अपनी तरफ, लग्जरीज आपको अपनी तरफ बहुत खींचेंगी। हो सकता है समवेयर आप कहीं ड्रिंकिंग की हैबिट की तरफ भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बूजिंग से बचें, और नशा जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए, तो उनको इस आदत से दूर ही रहना चाहिए। और इसके साथ ग्रीन कलर अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काल भैरव अष्टक का पाठ ज़रूर करना है 9 से 8 से 11 के बीच में। अगर आप काल भैरव का अष्टक का पाठ करते हैं तो किसी भी, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम इस साल आपको फेस करने को मिलती भी है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि अगर हम रत्नों की बात करते हैं तो इस साल आप कोई भी ग्रीन कलर का रत्न अपने उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जिरकॉन पहन सकते हैं, या फिर आप पाइराइट भी धारण कर सकते हैं। ये दोनों ही स्टोन बहुत ही अच्छे आपके लिए साबित होंगे इस पर्सनल ईयर के हिसाब से।
नंबर सिक्स को एक्टिवेट करने के लिए, अगर आपके ग्रिड में नंबर सिक्स नहीं है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए रोज इत्र जरूर लगाइए, यानी कि नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम, और एक गोल्डन वॉच पहन लीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इसके। तो ये है इन तीन पर्सनल ईयर का प्रेडिक्शन जो कि 2024 में आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी क्वेरी हो आपकी तो आप जरूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बचे हुए जो हमारे तीन नंबर्स हैं 7, 8, 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इनको लेके। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल।